বিহারের বেগুসরাইত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিশাল নির্বাচনী সভা। দলীয় প্রার্থীর হয়ে বেগুসরাইত শনিবারে চলালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রচার। এই বিশাল নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী তথা নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক এলায়েন্সর আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডি এলায়েন্সক প্রথমে টার্গেট করে কলে 4 জুনলৈকেহে আছে ইন্ডি এলায়েন্সর মেয়াদ। ये जो इंडी गठबंधन है उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर शर्माए कांग्रेस और टीएमसी मुसलमान ओबीसी कोटा संरक्षण दिया व्यवस्था बंद कर दी बोली घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया? ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। এই এজেন্ডাত আছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল হব, প্রবর্তন হব দেশত ইউসিসি, কৃষ্ণ জন্মভূমিত নির্মাণ হব ভব্য মন্দির, জ্ঞানবাবী মসজিদের বিষয়টো শেষ হব। সার সসিদ আনে কা সাথ সাথ হামে তো পাক অকুপাইড কাশ্মীর কো ভারত মে লানা হে, হামে তো কৃষ্ণ জন্মভূমি কো মুখ করনা হে। হামারা সার সসিদ মে বহুত বড়া এজেন্ডা হে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড লানা হে। तो ये सारस्वत जब मिलेगा, कृष्णा जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा। लोगों ने मुख्यमंत्री को ले बीजेपी मूल युद्ध और कथा दो, बीजेपी मूल युद्ध औरंगजेब आरो बाबर और विरुद्ध। अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है, हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका अलौदू से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का अलौद का खिलाफ, बाबर का अलौद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। इपिने राम मंदिर को कांग्रेस और एक गुप्त एजेंडा आसे बोलियो संदेह प्रकाश करे मुख्यमंत्री कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहाँ बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था नाना पाटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। उल्लेखযোগ্য যে অসমত তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ডত আৰম্ভ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এখনৰ পিছত আন এখন ৰাজ্যত চলাই গৈছে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।